आप सब कैसे हो? मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप सब खुश हैं, अच्छे हैं, सब ठीक है। जैसे हम किसी से मिलते हैं ऐसे पूछते हैं ना कि कैसे हो भैया, कैसे हो दीदी, कैसे हो, आप सब ठीक है ना? क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि हम हैंडल नहीं कर पाते। जब अगर कोई बोले कि ये प्रॉब्लम चल रहा है यार मेरे साथ, तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो एकदम से हम वही पूछते हैं। जैसे मैंने एक मूवी में देखा, वो एक भैया है उस मूवी में, वो हर एक को ऐसे बोलते हैं और बाकी वो बस ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। वो एक्चुअली कुछ सुनना नहीं चाहता, वो बस ऐसे सब ठीक है ना, ओके सब ठीक है ना, आप अच्छे हैं ना, आप ठीक है ना। वैसे हम भी दूसरों से पूछते हैं और सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, मगर एक्चुअली हकीकत में पता नहीं क्या ठीक चल रहा होगा जीवन में, है ना। मगर प्रभु की योजना कुछ फर्क है हमारे लिए। आप सोचते हो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, सोचना क्या है, वाकई में चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पैसे की कमी हो सकती है वो, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, या पढ़ाई में, या हेल्थ में प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम से तो हमारा लाइफ धम जाते हैं एकदम से, वो खुशी नहीं मिलता यार, वो खुशी से हम आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, ये सच है। मगर आज मैं ये संदेश लेके आया हूँ आपके लिए कि परमेश्वर के पास सब प्रॉब्लम का हल है। हमें बस इतना करना है कि परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ये सारे प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, इसमें क्या करना है, तो मुझे एक वचन दो। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में यही है कि वचन मांगना है हमें, प्रभु से वचन पूछना है कि प्रभु इसके लिए मुझे वचन चाहिए, है ना। प्रभु भला है, वो सारे गुनाहों से हमें माफ करता है, इतना बड़ा परमेश्वर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज आप प्रभु से पूछना कि करना क्या है मुझे, कौन सा वचन पढूं, उत्तर दो, मुझे एक हल दो। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और की भी मदद की ज़रूरत है प्रे करने के लिए साथ में, तो प्लीज़ आप जो प्रे करते हैं आपके यहाँ पे, या आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम इकट्ठे प्रे कर सकते हैं। प्रार्थना एक बहुत ताकत वाली एक कुंजी है जो हमारे पास है, जो की है हमारे पास है। तो हाँ, मैं बस लॉर्ड की भलाई के बारे में सोच रही थी। आपके साथ ऐसा टाइम बिताना भी अच्छा लगता है, आपके लिए प्रे करना अच्छा लगता है। मैं आपको प्रोत्साहित करूँगी, मैं आपको इनक्रेज करूँगी, आप वचन पढ़ें। मैंने कुछ दिन पहले, दो दिन पहले साम 71 भजन संहिता 71 दिया था, मैं आज आपको दे रही हूँ जेम्स का बुक, याकूब का किताब। उसमें ये बहुत ही पावरफुल किताब है याकूब का, ज़रूर पढ़ना, आज का टास्क है पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। और बाइबल में जैसे आप पढ़ते हो उसमें अंडरलाइन करना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लॉर्ड आज आपको आपसे बात करेंगे। याकूब की किताब अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी कोई बात नहीं, एक और बार पढ़ लेना, है ना। जितने भी पढ़े उतना गहरा है वचन, सोचो एक एक वचन अनंत काल का है, एक एक वचन एक सागर से भी गहरा है। तो इसलिए बार बार पढ़ने में वो कोई प्रॉब्लम नहीं,
प्रभु आज आपको आशीषित करे। याकूब की किताब पढ़ो, आशीषित, उसमें बहुत ढेर सारे चीज़ें, सीक्रेट्स हैं जो आपको आपकी मुसीबत से निकाल सकते हैं। फॉलो करना जो आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे जो बात करेंगे उसको फॉलो करना। आज आपका दिन शुभ रहे, आपके लाइफ से दूसरों को ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस यू। आपके लिए मैं रोज़ प्रार्थना कर रही हूँ। डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करो या ईमेल करो, और या इसमें कमेंट लिख सकते हो। ये ज़रूर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करना जो जिनको आपको लगता है कि इससे आशीष मिलेगा, उनको आप फॉरवर्ड करना। परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख आती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए। प्रभु, सारे जो आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, आप जानते हो प्रभु, दुख को, दर्द को जानते हो, प्रॉब्लम की एंटैंकलमेंट को जानते हो, उसका जो जितना कॉम्प्लिकेटेड है वो सब आप जानते हो परमेश्वर। मगर कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है परमेश्वर। आज मैं आपके अनुग्रह को इनके लाइफ में बोलती हूँ, आपके प्यार को, आपके प्रेम को इनके जीवन में बोलती हूँ प्रभु। जिनके जीवन में प्रेम की कमी है, उनमें आपके प्रेम भर प्रभु। जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह शांति की कमी है प्रभु, आप शांति का राजा बन के उनके जीवन में पहुँचना प्रभु। प्रभु, आप एक आशा देने वाला परमेश्वर हो, शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु, जिनके पास है वो उनके वो जिनके पास नहीं है उनको दे प्रभु। आज हमें देने वाला बना प्रभु यीशु मसीह। दूसरों को आशीषित करने का हृदय दे। हमारा टाइम से, हमारा प्रार्थना से, हमारा प्यार प्रभु यीशु मसीह, हमारा हम जो भी हम दूसरों को दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं है प्रभु। ये खाना बना के पड़ोस के आंटी को खिलाया, दादी को खिलाया, या मम्मी की हेल्प किया किचन में, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह, आज हमें दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना। जैसे हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, हमारे ऊपर आपकी आशीष उंडेल प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज जैसे हम याकूब की किताब पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा होने दे कि पवित्र आत्मा आप हमसे बात कर, हमें अगुवाई कर, हमें डायरेक्ट कर प्रभु। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उससे हमें बाहर निकाल। दूसरों को माफ़ करने का आपने आज्ञा दिया है प्रभु, हमें वो दिल दे जो हम दूसरों को माफ़ कर पाए पूरी तरीके से प्रभु, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु। एक और बार सबको आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन, कबूल कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमेन। कल मिलेंगे, बाय।